रावण जी ने अपना दसवां सिर यहाँ पे समर्पित किया है। उसको एक दो महीना के अंदर इसका जो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। कावड़ वाले के लिए तो बहुत सारे व्यवस्था, मंदिर की तरफ से भी बहुत व्यवस्था किया गया है। गाय होती है वो अपना दूध खुद ही चढ़ाती है। आजकल भैंस वगैरह बकरी वगैरह रख ले, पहले वो सब नहीं होता था। रावण दशरथ से यहाँ तक पूजा करने आता था, विश्वास पैदल चल के आता था। पानी का स्वाद और रंग बदलता था हर घंटे में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर पर। वैसे तो दुधेश्वर नाथ मंदिर की अनेक कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है, ये कहा जाता है कि रावण के पिता खुद यहां पर पूजा करने के लिए आते थे और रावण ने खुद अपना यहां पर दसवां सिर मंदिर में चढ़ाया था। तो चलते हैं अंदर और महंत जी से या मंदिर के पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे और इसके अलावा क्या क्या इस मंदिर की कहानी है, कितने जो श्रद्धालु हैं वो कावड़ के समय में यहाँ पर आते हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और बातचीत करेंगे। बहुत साल पुराना है। क्या नाम है आपका? जगदीश सैनी। अच्छा, कब से आप दुधेश्वरनाथ मंदिर में आ रहे हैं? मुझे दस साल के आसपास हो गए। अच्छा, क्या क्या मान्यता इस मंदिर की मानी जाती है? जो मन से मांगते हैं उसे पूरी होती है। जिनसे मांगता आदमी से भोलेनाथ से उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने भी आज तक जो भी मान धारणा करी है कि मेरी इच्छा पूरी हो, पूरी जी। बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी मान्यता है दुधेश्वरनाथ मंदिर की, और जो भी आप मन से मानते हैं वो पूरा होता है। यहाँ पर रावण के पिताजी भी पूजा करते थे काफ़ी समय से। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? मुझे भी हो गए दो साल करीब। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब कांवड़िया शुरू होने वाले हैं जी। सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं, जो भोले होते हैं, वो इसी मंदिर में? हाँ, यहीं पर आते हैं, यहीं मान्यता है, जल यहीं चढ़ाते हैं, वो हाजिरी का भी और जल वैसे भी। दुधेश्वरनाथ मंदिर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। अच्छा मैम, कब से आप दुधेश्वरनाथ मंदिर में आ रही हैं? क्या मान्यता है मंदिर की? मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से आ रही हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि रोज ही आऊँ। मैं और मंदिर में भी जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके एक अलग ही मन को शांति मिलती है, तो मैं कभी भी मिस नहीं करती यहाँ पे आना। जैसे आपने बताया कांवड़ का भी टाइम आ रहा है अब, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। मैं यहाँ पे सुबह चार बजे, साढ़े चार बजे भी आई हुई हूँ, तब भी यहाँ पे इतने भक्त जन रहते हैं, मतलब सभी यहाँ पे आके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, कांवड़ शुरू होने वाला है, मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही जल्दी तैयारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगता है, कांवड़ के दिनों में भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, भक्तजन की लाइन बहुत दूर दूर तक जाती है, मतलब काफ़ी देर में नंबर आता है। लेकिन मतलब जैसे मैं यहाँ आती हूँ, मुझे लगता है कि भगवान शिव पे मेरी इतनी कृपा है, जब भी मैं मतलब इतनी लंबी लाइन में भी खड़ी होती हूँ, लेकिन मेरा नंबर बहुत जल्दी आ जाता है भगवान शिव की कृपा से। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नीता सिंह नाम है। अच्छा, कब से आप दुधेश्वरनाथ मंदिर में आ रहे हैं? ये मुझे 22 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। काफ़ी जानकारी आपको मंदिर के बारे में। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मंदिर की मान्यता है, ये दुधेश्वर मंदिर है, एक पहले से ही इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। सभी यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा ही साधु महामंत्र सब, सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा इसका मानता होती है, बहुत पूजा पाठ होता है। हिंदन रात बहुत 24 घंटा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, कभी भागवत कथा, रामायण, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और मंदिरों में, इस मंदिरों में क्या अलग समझते हैं आपके, क्या अलग है? ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी सालों से ये आज से नहीं, जमाने से बहुत काफ़ी, हम लोग थे भी नहीं उस टाइम, उससे पहले बहुत सारे दिनों से है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। ये काफ़ी मतलब गाजियाबाद के अंदर दुधेश्वरनाथ मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। प्राचीन मंदिर है जी, प्राचीन मंदिर है, और रावण दशरथ से यहाँ तक पूजा करने आता था, विश्वधाम से पैदल चल के आता था, और उनने अपना, रावण जी ने अपना दसवां सिर यहाँ पे समर्पित किया है। और यहाँ पे हम सुनते हैं कि जो गाय होती वो अपना दूध खुद ही चढ़ाती थी, इसलिए शायद इस मंदिर का नाम दुधेश्वरनाथ मंदिर रखा गया है। अच्छा, कितने टाइम से आप आ रही हैं? आप कांवड़ शुरू होने वाले हैं, किस तरीके की भीड़? मैं तो यहाँ 8-9 साल से हूँ, तब से आ ही रही हूँ। अच्छा, कांवड़ में कैसा रहता है? अच्छा रहता है, व्यवस्था कांवड़ में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, और बहुत अच्छे, बहुत मतलब कांवड़ का तो कोई गिनती नहीं, अनगिनती जल चढ़ता है, बहुत श्रद्धालु, बहुत भक्त आते हैं यहाँ पे, तो बहुत दूर दूर से, हरिद्वार से और काफी दूर दूर से, गंगागढ़ से बहुत जल चढ़ता है, लोग लोट लोट के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, काफी बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। अंतिम जल सर, अंतिम जल जो चढ़ता है यहाँ पे चढ़ा के, तब कांवड़ अपने घर जाते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू।
तो हमारे साथ दुधेश्वर नाथ मंदिर के आचार्य जी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे दुधेश्वर नाथ मंदिर की क्या क्या मान्यता मानी जाती है और मंदिरों को दुधेश्वर नाथ मंदिर को कैसे अलग किया जाता, तो क्या क्या दुधेश्वर नाथ मंदिर की प्राचीनता, तो बातचीत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दुधेश्वर नाथ मंदिर में क्या क्या मान्यता मंदिर की हैं, कावड़ अब शुरू होने वाला है तो किस तरीके के कावड़ यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये मंदिर लगभग 570 साल की हो चुका है और इस मंदिर का मान्यता जो है कि रावण के पिताजी विश्वश्रवा जी थे, तब से मान्यता है इस मंदिर की। और रावण के पिताजी विश्वश्रवा जी द्वारा सर्वप्रथम पूजित है ये जो शिवलिंग है अपना, तो ये जो है कि गाय के दूध से प्रसन्न होते इसलिए उनका नाम है दुधेश्वर रखा गया है। और सर्वप्रथम जो नामांकन हुआ था ये विश्वश्रवा जी ने ही रखे थे। ये ऋषि परंपरागत मंदिर है, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ किए थे इसलिए इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी होते हैं वो ऋषि परंपरा अंतर्गत ऋषि मुनियों में होते हैं। और ये जो अपने इस मंदिर के अभी जो फिलहाल जो महंत जी श्री महंत नारायण गिरि जी है ये 16वां महंत है। और इस मंदिर को पहले तो छोटा सा मंदिर था लेकिन भगवान की असीम कृपा रहा महाराज जी के ऊपर और उनके भक्त के ऊपर जो कि इतने भव्य मंदिर आप देख रहे हैं अभी। और इस मंदिर का मान्यता ये है कि जो कोई भी 40 दिन तक अगर आके लगातार आके जल चढ़ाता है या दूध चढ़ाता है तो किसी भी मनोकामना के लिए भी करे उसको एक दो महीना के अंदर इसका जो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। इसलिए दूर दराज से विदेश से भी लोग आते हैं, किसका संतान नहीं होता है, किसका शादी नहीं होता है और कई सारे के नौकरी में उथल पुथल हो तो उससे सारे चीज़ के लिए आके यहाँ मन्नत मांगते हैं। और 40 दिन की जिसकी भी 40 दिन लगातार ऐसे तो होता नहीं किसी का भी, मतलब बहुत बाधा विघ्न आ जाता है बीच बीच में, लेकिन जिसने भी एक ही टाइम में 40 दिन तक लगाया जल उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हुआ। अच्छा जी, वैसे तो दुधेश्वर नाथ मंदिर की अनेक कहानियाँ हैं क्योंकि अब कांवड़ भी शुरू होने वाला है तो कांवड़ को लेकर भी काफ़ी भीड़ यहाँ मंदिर के अंदर देखी जाएगी, तो जो कांवड़े जल लेकर यहाँ पर आते किस तरह से वो यहाँ पर कांवड़ आते, क्या व्यवस्था उनके लिए रहती है? ये कांवड़ के लिए तो बहुत, ये तो कांवड़ वाले जो भगवान के स्वरूप माना जाता है तो कांवड़ वाले के लिए तो बहुत सारे व्यवस्था मंदिर की तरफ से भी बहुत व्यवस्था किया गया है। और अपने सामने मंदिर के सामने शंभुधार डिग्री कॉलेज है, वहाँ रहने की पूरी पूरी बंदोबस्त है। और मंदिर के प्रांगण में भी गुरुकुल है, गुरुकुल में भी और कई सारे मंदिर के जगह है तो उसमें सबके लिए खाने का पीने का रहने का सब प्रकार की व्यवस्था, उनको कोई कष्ट न हो, डॉक्टर भी आके वहाँ इलाज करते हैं इसलिए कोई प्रकार की असुविधा ना हो किसी को भी, उसी प्रकार से सुविधा किया जाता है। जी, कोई एक ऐसी कहानी जानना चाहेंगे आपसे मंदिर के बारे में जो ये तो पहले के कालातिक्रम का है, ये जब पहले ये जो जगह आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर एक पत्थर का टीला हुआ करता था उसी ज़माने में, मतलब 570 साल तो हम कई पीढ़ियाँ हमारे लोग का चले गए तो इतने तो जानकारी, फिर भी ये जो उसी समय की जो रावण के पिताजी के समय के ज़माने की मंदिर है तो उसी समय क्या कि कछुआ टाइप का होता था, यहाँ दो घर है वहाँ दो घर है वहाँ दो घर है, ऐसे होता था, फिर जंगल होता था ये सब। तो ये भी मंदिर जो शिवलिंग है ये पत्थर टीला के नीचे मंदिर था, तो जैसे ही गाय में रखते थे, आजकल भैंस वगैरह बकरी वगैरह रख ले, पहले वो सब नहीं होता था, उसको पहले गाय का ही सेवा करते थे, गौ माता की सेवा करके गौ का दूध का सेवन करते थे, पूजा पाठ में लगाते थे। तो ये क्या हो कि जो भी गाय रखते थे रख रहे थे उन लोग को चराने के लिए ग्वाला होता था, सारे गाँव का इकट्ठा करके गाय को ले आया, सुबह ले आया चरा के फिर शाम को लेकर छोड़ दिया। तो ऐसे कालेज के कुछ दिन जाने के बाद क्या हुआ कि अचानक गाय एक पत्थर के टीला के ऊपर खड़ा होने के बाद उसके थन से दूध अपने आप निकल जाता है, तो उसके आश्चर्य हुआ कि भाई दूध कैसे हुआ, कोई ये टोने टोटका के ज़माना तो शुरू से ही है, तो जिसका गाय है वो सोचता है कि मेरे को टोने टोटका कोई कर दिया। तो ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद फिर वो जिसकी गाय थी वो फिर ग्वाला के पीछे भी पीछा किया कि ग्वाला तो दूध नहीं निकाल लेता है, तो ये देखा कि नहीं ऐसे ग्वाला एक जगह रहता है, गाय अपने आप पत्थर के ऊपर खड़े होने के बाद अपने आप थन से दूध निकल जाता है। तो उस समय जो कि विश्वश्रवा जी त्रिकालदर्शी थे तो उनके पास लोग है कि हमारा गाय को कोई कुछ कर दिया दूध निकलता नहीं, ये नहीं होने, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखे तो ये एक पिंडी स्वरूप ज्वलंता पिंडी है शंकर भगवान की। तो उसी दिन के बाद वो खुद आके यहाँ जैसे ध्यान लगा के यहाँ भी देखे, रिसर्च टाइप का किए, करने के बाद उनको अवगत हुआ कि ये शंकर भोलेनाथ की पिंडी है। तो उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे करके पत्थर टीला को हटाया गया है, हटा के छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जैसे दो आदमी बैठ के चार आदमी बैठ के पूजा कर रहे हैं,
फिर उसमें उसके बाद में कालाधिक में छत्रपति शिवाजी ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार किए। जीर्णोद्धार करने बाद एक साथ में 50 आदमी बैठिए कर लिए। अब इस जमाने में कलयुग में धर्मपाल गर्ग जी महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने भव्य मंदिर बनाए, तो बना के जैसे भी लोग आते जिस मनोकामना के करके लोग आते हैं तो उसी मनोकामना जैसे गौ माता के दूध से अपने आप दूध से प्रकट हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ, ऊपर के दूध गिरा तो अपने आप एक तरंग फैला, तो सबको ये चीज़ पता लगा धीरे धीरे करके पता लगे। फिर उन जो जिस मेरे को पता हुआ मैं फिर आपको बताया, वो फिर उनको बताया, ऐसे करते करते फैल गया। फिर दूसरे भगवान का नाम प्रकट हुआ और दूसरे भगवान उसी दिन से भव्य रूप से पूजा आराधना करके दूसरे श्रवादी ने उसको प्रारंभ किया। अच्छा आचार्य जी, इस मंदिर के अंदर एक कुआ है, एक गुफा भी है, उसकी क्या कहानी है? जी ये कुआं कहा जाता है कि ये हिंडन से जुड़ा हुआ था ये कुआं, तो हिंडन और ये कुआं का एक गुफा था, तो कई ऋषि मुनियों ने उस गुफा के अंदर भी तपस्या करते और डायरेक्ट हिंडन से ये पानी ये कुआं में आता था। और ये जब जैसे ही कुआं के ऋषि मुनियों को पार करके जैसे ही पानी आता था ये कुआं में, वो पानी का स्वाद और रंग बदलता था हर घंटे में। अच्छा। मान कहा जाता है। और गुफा भी है, गुफा भी कहते हैं कि ये जो गुफा है ये आप देख रहे साइड में ही गुफा है, उसको भी बंद कर दिया गया है। वो गुफा भी ब्रजघाट तक था, तो वहाँ से जो भी राजा महाराजा जो भी है छुप छुप के आते थे, यहाँ तपस्या वगैरह करते थे, हवन वगैरह करते थे। एक हवन कुंड भी छत्रपति जी द्वारा स्थापना किया हुआ, शंकराचार्य जी द्वारा स्थापना किया हुआ है, तो उसमें गुरुकुल में है अपना, वो भी है। और यहाँ आके लगभग यहाँ जो भी जिसको विपत्ति ज़्यादा होता था तो वो लोग छुप छुप के आते थे, आके यहाँ पूजा आराधना करते थे, करने के बाद उनको फिर उनको उसको अच्छा फल प्राप्त होता। अच्छा आचार्य जी, चारों सोमवार की बुकिंग भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है? हाँ देखिए, अब बुकिंग हम कल परसों से शुरू किए हैं, लगभग सोमवार को सोमवार जो चारों ने इस बार डबल महीना है इसलिए आठों सोमवार है। अच्छा। आठ सोमवार को लगभग दो तीन सोमवार तो बुकिंग हो चुका है। अच्छा, कितने कांवड़ियों के आने की उम्मीद? ये कांवड़िया तो लगभग पिछले साल भी 4-5 लाख थे, इस साल भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जी, ने साफ तौर पर बताया क्या क्या विवेश्वरनाथ मंदिर की जो कहानी है, वो पूरी कहानियाँ बताई, वो क्या क्या मान्यता विवेश्वरनाथ मंदिर की मानी जाती है। सोनू खान, गाजियाबाद।